नमस्कार, हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध गायक, भजन गायक कुमार विशु जी। आइए जानते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने माहौल बनाया, पूरा लोग आनंदित हो गया और शरद पूर्णिमा का आनंद भी लिया। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपके भजन सुनकर लोग काफ़ी आनंदित होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री रामकृष्ण सेवा संस्थान के इस शरद पूर्णिमा महोत्सव में अपने भजनों की गंगा लेकर आया था, जिसमें सभी ने आज मिलकर गोते लगाए। निश्चित रूप से जब आनंद भक्तों को आता है तभी गाने वालों को भी आता है, जो आज मैं कहता हूँ मुझे बहुत आनंद है। निश्चित आज मुझे बहुत आनंद मग्न हो गया मैं, और ऐसी ऐसी रचनाएं गाने को मिली जो बहुत कम मैं मंचों पर गाता हूँ। जी, वातावरण बन जाता है भक्तों की स्वयं की अपनी हाजिरी से, जो आज यहाँ उपस्थित भक्तजनों के द्वारा किया गया। मैं एक बार पुनः शुभकामनाएँ देता हूँ श्री राम कृष्ण सेवा संस्थान सभी आए हुए भक्तों को, अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। जी, आपके भजन काफ़ी सुरीले होते हैं और काफ़ी जो एक बार सुन लेता है, और हम भी आज आपसे पहली बार मिल रहे हैं लेकिन भजन लगातार सुनते रहे हैं। बहुत बहुत आभार। अच्छा है ना, व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से, उसकी रचनाओं से हो। शख्सियत में क्या रखता है, पहचान में क्या रखता है? पहचान तो ईश्वर वाला, ईश्वर देने वाला दे ही देता है। जी, पहचान को बनाए रखना अपने आप पे उससे भी बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूँ, मेरी रचनाएं, मेरे भजन जनमानस तक यूँ ही पहुँचते रहे और मेरी पहचान उनके दिलों में बरकरार रहे। कितने वर्ष से हो गए सर आपके ये भजन? करीबन 25 वर्ष हो गए आज बहुत भजन गाते हुए। जी जी बिल्कुल। मैंने अपनी प्रसिद्ध रचना आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व ही गाई थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया। जी जी, काफी बाद अमृत पिलाने से क्या। और इसी प्रकार से सभी ईश्वर आराधना के भजन गाने का मुझे अवसर मिला, सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमें जानना चाहेंगे भविष्य की कोई और भी कुछ एल्बम सब आ रहा होगा? जी बिल्कुल, अब तो सब कुछ डिजिटल है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब कुछ उपलब्ध होता है। आपके नाम टाइप करें तो भजन आ जाते हैं, नए भी पुराने भी। मेरा स्वयं का यूट्यूब चैनल है कुमार विशु चैनल कर कुमार विशु चैनल टाइप करते ही आपको मेरा चेहरा ढपली के साथ नज़र आ जाएगा, और जहाँ पर करीबन 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, पर यूट्यूब से मुझे भी सिल्वर बटन दिया जा चुका है। जी, अब बस गोल्डन बटन की तलाश है, उसी में संघर्षरत हूँ, और संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है। आप भले कितने भी इस्टेब्लिश हो जाए, कितनी भी आपकी पहचान बन जाए, अभ्यास रियाज आप हर मंच से हर जगह से सीखते हैं। नई पीढ़ी भी आ गई है और आपके साथ आपकी बिटिया गाती हैं, काफ़ी सुरीली। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपकी विरासत को आपके घर में ही कोई संभालने का प्रयास करता है। अभी रियाज कर रही है, मेरे साथ मंच साझा करती है। मैं उस दिन ईश्वर को हृदय से धन्यवाद करूँगा, आज भी करता हूँ, कि उसने स्वर तो दिया मेरी बिटिया को, लेकिन जब वो अपनी पहचान बचपना लेगी और जनमानस का उसको आशीर्वाद मिलेगा तो मैं उसके असली उपलब्धि समझूंगा। क्या बात है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और ये हम चाहेंगे एक संदेश दे दें शरद पूर्णिमा पर आम आदमी। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में ईश्वर को आप कहीं भी सरलता से यदि खोजना चाहते हैं तो वो आपकी अंतरात्मा में जाकर खोजें। मन का आंगन साफ होगा तो निश्चित रूप से वहाँ प्रभु विराजेंगे। अक्सर मैं अपने मंचों से एक बात कहता भी हूँ, कुछ पंक्तियाँ हैं कि मन के मंदिर में दीपक जगाया करो, प्रेम से फिर प्रभु को बुलाया करो। छा रही है बहुत धूल अज्ञान की, छा रही है बहुत धूल अज्ञान की, मन के आंगन में झाड़ू लगाया। क्या बात है यार, आपने जब ये कहा था तो लोग यहाँ पर जोरदार ताली बजाए थे और आनंद भी हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। या दोस्तों, तो ये थे प्रसिद्ध भजन गायक कुमार विशु जी, जो खास तौर से बता रहे थे कि आज आनंद की घड़ी है और इस शरद पूर्णिमा पर पूरे देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और खासतौर पर ऐसे आनंदित कार्यक्रम होते हैं तो लोगों में एक उत्साह हो जाता है। कैमरा पर्सन हेमंत साथ मान लीजिए। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।